इस पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, पांच बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर पांच बेलपत्र रखकर बुधवार सोम मंगल और फिर बुध और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, पांच बेल पत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो अभी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय, सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले। अहर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोज के आकारों में। दर्शकों बुधवार की अष्टमी का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस बार के बुधवार की जो अष्टमी है आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन आपकी राधा अष्टमी भी बन रही है। तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को जरूर करें, और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम सबसे पहले आपके पास पहुँचा सकेंगे।